आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सांगठनिक बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी जिला के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला सचिव, प्रखंड सचिव सहित संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। बैठक में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन शामिल हुए और सरकार के द्वारा किए गए जनहित के कार्य को जनता के बीच पहुँचाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही संगठन को मजबूत करने के लिए कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संगठन के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। कार्यकर्ताओं को कई टास्क सौंपे गए हैं। अगली बैठक जल्द बुलाई जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी हर वक्त तैयार है। क्या कुछ कहा हेमंत सोरेन ने वो सुनिए। जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों की एक दिवसीय बैठक और ये पाठशाला तो राजनीतिक दलों का ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहता है। तो वैसे भी अभी हम लोगों ने पूरे बारिश के वक्त में भी चीजों को ध्यान रखा था, लेकर के सभी यहाँ करते थे। समय में सांगठनिक आवश्यकताएं क्या है, कैसे मजबूती है, कितनी और मजबूत होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा कुछ दिशा निर्देशों के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। पुनः फिर से संगठन की बैठक बहुत जल्द होगी। नहीं सर, पूरे देश भर में एक बड़ा आदिवासी चेहरा में से जाने जाते हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में भी आप के जाने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। राजनीतिक दलों को हमेशा तैयार रहना ही चाहिए और जो चुनाव होगा तो उसमें तो हिस्सेदारी हम लोग चुनाव में लेते ही हैं। तो ये तैयारी वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है, 5 साल में होनी और होनी है तो तैयारी भी होनी चाहिए। तो ये इस महापर्व की तैयारी तो स्वाभाविक रूप से होती है। अच्छा, मंगल पड़े आज से थोड़ी बहुत पहले से चल रहा है। सरकार अपना काम करते है, सरकार अपना काम कर रही है और बखूबी लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को जो उनकी समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।